और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज। जयपुर जिले के सामर तहसील कार्यालय में उपखंड अधिकारी राजकुमार कस्बा की अध्यक्षता में कोरोना को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में उपखंड स्तरीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में उपखंड अधिकारी राजकुमार कस्बा ने समस्त विभाग के अधिकारियों को बताया कि केंद्र और राजस्थान सरकार कोरोना वायरस से बचाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय और जागरूकता फैलाने में लगी हुई है। उसी क्रम में सामर उपखंड क्षेत्र में भी कोरोना रोग के वैश्विक महामारी के रूप में ले लेने के कारण राजस्थान सरकार ने भी कॉलेज, विद्यालय, सिनेमाघरों, जिम आदि बंद कर दिए हैं और मुख्य जगह पर भीड़ इकट्ठा होने से रोकने के उपाय किए जा रहे हैं। इसलिए इन दिनों होने वाले मेले, धार्मिक कार्यक्रम, पारिवारिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम जहाँ भीड़ भाड़ हो वहाँ जाने से बचे। इस अवसर पर सामर उपखंड अधिकारी राजकुमार कस्बा, सामर पुलिस उप अधीक्षक राजेंद्र सिंह रावत, तहसीलदार हरि सिंह राव, जलदाय विभाग के सहायक अभियंता जग्गा राम वर्मा, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी नरपत सिंह राजपुरोहित, राजस्व अधिकारी रजनीश चौधरी, फुलेरा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी छगनलाल यादव सहित उपखंड स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे और अपने क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने का लक्ष्य लिया। और फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सत्यमेव न्यूज। नमस्कार सर, आज कोरोना वायरस को लेकर के आपने मीटिंग लगातार ले रहे हैं और जनता के संपर्क में भी अधिकारियों के संपर्क, आज क्या संदेश दिया जा रहा है कोरोना को बचने के लिए, क्या उपाय किए जाए और क्या क्या उपाय धरातल पर चल रहे हैं? सभी विभागों की सामूहिक एक बैठक करवाएगी। इससे पूर्व सभी विभागों आदेश और निर्देश जारी कर दिए गए थे, पर बैठक करवा के उनसे अब तक किए गए कार्यों की प्रगति जानी गई, जिसमें नगर पालिकाओं ने बहुत अच्छा कार्य किया है। सभी सफाई कार्मिकों को मास्क और दस्ताने उपलब्ध करवा दिए गए हैं। सभी क्षेत्रों में ज़्यादा छिड़काव किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो भी अपने सार्वजनिक स्थान है उन सभी पर होर्डिंग्स और फ्लैक्स लगवा कर आम जन को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा BCMO साहब को ज़्यादा है कि जो भी व्यक्ति हो सभी हॉस्पिटल के अंदर ज़्यादा सभी तरह की ज़्यादा व्यवस्था रखने का निर्देश दिया गया है। हर आम आदमी को ये सलाह दी जाती है और सभी सेवा डिपार्टमेंट में हर आदमी को जागरूक किया जा रहा है कि जिसको भी किसी भी प्रकार के सामान्य जुकाम, सर्दी या फीवर और कफ की शिकायत हो उसको वो सामान्य जुकाम या बुखार के रूप में ना रखकर तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराएं। मगर इससे बहुत अधिक चिंतित होने की भी आवश्यकता नहीं है कि वह उसके लिए बहुत अधिक चिंतित हो, अपना चेकअप करवा लें, ये डॉक्टर्स को तय कर। इसी प्रकार सभी लोगों से, सभी डिपार्टमेंट्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आगामी 15 दिनों तक किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों में, चाहे वह मेले हों, चाहे मंदिर जाना हो, चाहे पारिवारिक कार्यक्रम हो, चाहे और किसी प्रकार के आयोजन हो, किसी भी प्रकार के आयोजनों में जाने से दूर रहें। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को आगे से आगे चैन को तोड़ेंगे नहीं, लगातार अगर हमने किसी चीज़ चैन को तोड़े रखा जाता है तो हम निश्चित रूप से ये इस पर जो विश्वास है कि हम इसको ज़्यादा स्टार्ट ही नहीं होने देंगे। पहलना दूसरी बात है, मैं इसलिए विश्वास करता हूँ कि हम इसको हमारे क्षेत्र में किसी भी रूप में स्टार्ट नहीं होंगे। मगर उसके लिए हर आम आदमी का और हर एजेंसी का हमें ये सहयोग चाहिए कि आम जनता तक ये मैसेज पहुँचे कि वह अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर जाके जाते हैं उन सभी कामों के लिए या सार्वजनिक स्थानों पर जाए, अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ ना करें और अनावश्यक कार्यक्रम चाहे भले वो कितने ज़रूरी हो हमने पहले से रख लिए। मुझे ये मानता हूँ कि सामाजिक कार्यक्रम को टालना थोड़ा मुश्किल होता है मगर नामुमकिन नहीं है। आपके किसी भी व्यक्ति कोई भी कार्यक्रम निर्धारित किया हुआ है उसे छोटा रखें। आने वाले सभी व्यक्तियों के ज़्यादा डिसइंफेक्शन का, सैनिटाइजेशन का प्रयोग पूरा बंदोबस्त रखें और यदि टाल सकें तो उन कार्यक्रमों को महीने भर के लिए टाल दें आगामी डेट के ऊपर। सर, आज SDU कार्यालय में बैठक ली, उसमें आप केवल मात्र आप मास्क पहन के आए, क्या संदेश देना चाहते हैं आप जनता को? ये देना चाहते हैं कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो भी चिकित्सा विभाग द्वारा सुझाए गए जितने भी सुझाव है उनकी पालना कर अपने को और देश को बचाएं ताकि कोरोना वायरस से हम मुक्त हो सके। उसमें एक आप ही और जलदाय विभाग के सहायक अभियंता ऐसे थे जो मास्क लगा के पहुँचे, मास्क लगाने से क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनता से? ये कोरोना से बचाव का एक भाई का आम आदमी जितना हो सके कोरोना से बचाव के लिए जो आवश्यक साधन है वो काम मिले। एक मीटर की दूरी रखें जी और खांसते छींकते समय टिश्यू रुमाल का इस्तेमाल करें। भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से बचें, जागरूक रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। यदि आपको बुखार है, खांसी है, सांस लेने में तकलीफ है तो आप घबराएं नहीं, डॉक्टर से सलाह लेकर उनका उपचार करें। ये मौसमी बीमारी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये कोरोना वायरस हो, लेकिन यदि आपको सूखी खांसी आती है, तेज़ बुखार है तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें
अपने को और समाज को और देश को बचाएं।